हमीरपुर के बलूट सोसाइटी में करोड़ों रुपए के गोलमाल मामले में पैसों की रिकवरी नहीं हो पाने पर अब ग्रामीण कराले के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं गरीब लोगों के नाम पर भी हजारों रुपए के फर्जी ऋण होने की बात पर ग्रामीणों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। जबकि फर्जी लोन के नाम से पहले से परेशान गरीब ग्रामीणों को बार बार सहायक पंजीकृत सहकारी सभा कार्यालय के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। हमीरपुर स्थित सहायक पंजीकृत सहकारी सभा कार्यालय में 60 ग्रामीणों के द्वारा आए दिन फर्जी ऋण मामले में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बता दें कि करीब एक साल पहले जिला की बलूट सोसाइटी में सचिव ने 7 करोड़ रुपए का गमन कर फरार हो गया था और ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन करने पर बड़ी मुश्किल से फरार सचिव को 2 माह पहले ही प्रदेश के बाहर से पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन इस सारे मामले में दर्जनों ग्रामीणों के नाम अब फर्जी लोन निकल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के ऊपर पहाड़ टूट पड़े हैं। इसमें से कई ग्रामीण तो ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, लेकिन उनके नाम पर भी लाखों रुपए के फर्जी लोन बना दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई ग्रामीणों के नाम पर फर्जी लोन बना दिए हैं, जबकि लोगों ने पैसे तक नहीं लिए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जिन लोगों का लाखों रुपए सोसाइटी में जमा था, उसकी रिकवरी भी अभी तक नहीं हो पाई है और सचिव अब जमानत पर छूट गया है। सर सासी मेरी ना इंगे पैतरा झूठा लाओ ना बीमार चली फिरी तारा देवी जी चली फिर तीन है जी हाँ जी गरीब आदमी जी कहने बीपी आल चाहे कमाने बताने कदी लोन ना जान दे कितना लोन है 95763 अह गरीब आदमी है सवेरा कमाना है संजो खाना तीसो टोन के लिया वा सामने सचिव जी पूछा है इससे पूछा मेरा रेखा कुमारी गांव ब्लूट से हूँ। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्लूट से है। सेक्रेटरी सचिव पृथ्वीराज यहाँ सचिव था। हमने उसको ढूंढ कर भी लाए, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, फिर भी ऊपर से हमें मेरे हस्बैंड को 1,60,000 का फर्जी लोन डाला हुआ है। उसके ऊपर 2 गवाही हैं, वो भी पता नहीं, उनका नाम पता कुछ भी पता नहीं है, कौन है कौन नहीं है। 3 बार इनको रिक्वायरमेंट पूरी हमने दे दी है, बायरिटन लिख कर दिया, लेकिन इन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई की ये नहीं की और उल्टा हमें ही नोट्सों पर नोट्स भेज रहे हैं। और इसी सदमे की वजह से मेरे हस्बैंड भी इस टाइम बेड पर हैं, मेरे ससुर भी इस टाइम बेड पर हैं, हमारे गांव के 5-6 और वो भी काफी ज्यादा इस सदमे में ये डूब रहे हैं। लेकिन न पुलिस वालों ने उससे कुछ भी उगलवाया, उल्टा उसे बेल पर छोड़ दिया। इसमें पॉलिटिक्स और विभाग वाले और पुलिस महकमे वाले सभी इन्वॉल्व हैं। हम तो यही बोल रहे हैं कि जब तक हमारा उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, उसे टाइमिंग और अरेस्ट रखा गया, उसके रिमांड नहीं ढंग से लिया गया, उसके पास पैसे हैं, रिकवरी है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, इसका यही मतलब है, साफ साफ यही निकलता है कि लोग मर रहे हैं, पॉलिटिक्स आंख बंद करके सो रही है और विभाग वाले अपने अपने पैसे से जेब में भर रहे हैं, पुलिस वाले अपने पैसों से जेब में भर रहे हैं या उससे पैसे खाए हुए हैं।